नमस्ते दोस्तों। तो आज इस वीडियो में एपिथीलियम टॉपिक के ऊपर 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल एनसीईआरटी से प्योर एनसीईआरटी बेसिस पे जो क्वेश्चंस बने हुए हैं। मतलब एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, एक बार एनसीईआरटी को आपने रिवाइज कर लिया, फिर पढ़ लिया, तो उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो बिल्कुल आपसे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि इनको करना कैसे, तो आप वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, अपना आंसर आप टिक कर लीजिए, जो भी के ऑप्शन वाइज लिख लीजिए, और लास्ट में 25 के लास्ट में आपके कितने करेक्ट है वो देखिए, क्योंकि नीट का जो करंट पैटर्न है उस पर आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए। नॉलेज का इतना ज़रूरत नहीं, बस आपने जितना कंटेंट चाहिए उतना पढ़ लिया है, क्योंकि लेवल क्वेश्चंस का इजी टू मॉडरेट लेवल होता है, लेकिन जो मेन फोकस करना होता है वो एक्यूरेसी पे। आप अगर एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी रैंक आएगी, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, भले आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्यों ना लगा लिया। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देगी रॉन्ग है। और तीसरा पॉइंट ये कि इसमें हमने सारी नीट के अंदर जो टाइप्स आती क्वेश्चंस की वो सारा इंक्लूड कर लिया इस एपिथीलियम टॉपिक में। सारे सब टाइप्स के क्वेश्चन है, इजी टाइप होता है, फिर एक की कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं इनमें से, या फिर स्टेटमेंट्स लिख देंगे और इनमें से कितने नंबर लिख देंगे, 1 2 कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फिर एक की बाहर के ऑप्शन दे देंगे लेकिन बनता हुआ एनसीईआरटी से, तो सारी टाइप अपन डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ में, और लास्ट में एक बार उन टाइप को समराइज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पहला क्वेश्चन हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, आप पॉज कर लीजिए, पूरा आपके हिसाब से आंसर टिक कर दीजिए, और उसके बाद फिर डिस्कशन देख लेना वापस प्ले करके। तो अब जो आपका रीडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिल्कुल एक 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 वर्ड को रीड करते जाना, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम है, सिंपल का भी ध्यान रखना, स्क्वामस जो जो भी नॉट इज नॉट फाउंड इन, सबसे पहली बात तो ये नॉट फाउंड इन, नॉट लिखा है इसका ध्यान रखना है, तो नॉट फाउंड सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम कहाँ पे नहीं पाया जाता है, टाइप 1 न्यूमोसाइट। अरे क्वेश्चन तो बाहर का हो गया भाई, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि टाइप 1 न्यूमोसाइट का एनसीईआरटी से दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन तो बाहर का हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब देखिए, पहले अब चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। टाइप 1 न्यूमोसाइट हमको पता ही नहीं, हम इसको छोड़ देंगे, अपने ऑप्शन अपने बस का नहीं। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एनसीईआरटी में दे रखा है कि एल्वियोलाई और वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम पाया जाता है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो हमको पता ही नहीं था, इसका यूज भी नहीं है, सिर्फ कि हाँ बच्चे स्किप करके आगे बढ़ जाए इसीलिए दे रखा था। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में होता है तो ये करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें तो फाउंड होता है, नॉट फाउंड पूछा है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स क्लियरली एनसीईआरटी में दे रखा है कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट एनसीईआरटी के बेसिस पे हम डायरेक्ट इसको इनकरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम वहाँ पे नहीं है। थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले भी हमको ऑप्शन पता नहीं है, तो ये तो सिर्फ हमको स्किप करने के लिए दे रखे थे, आंसर एनसीईआरटी से बन गया क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे दूसरा पाया जाता है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, पॉज करके देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर आर ट्रू, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, विच ऑफ द, और दिमाग में बनते जाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं रीडिंग कर रहे हैं। ट्रू फॉर एपिथीलियल टिश्यू, अब एपिथीलियम तो टिश्यू हैज अ फ्री सर्फेस विच आइदर फेसेज अ बॉडी फ्लूड और आउटसाइड इन्वायरमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब दूसरी ऑप्शन भी पढ़ना है, नहीं तो यही पढ़ के टिक मार दिया तो यही गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन पढ़ा, ओ सही है, टिक मार के आगे बढ़ गए, नीचे पढ़ा ही नहीं, पता चला ए सी ऑल द वो ये भी था, तो एक ये भी गलत हो जाता है। इसमें मेरे भी ऐसे बहुत सारे गलत होते थे। फ्री सर्फेस विच फेसेज आइदर बॉडी फ्लूड और आउटसाइड इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, ये भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है, डी ऑल द अबव ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब इसको देखते हैं, पॉज आप कर लेना। सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज आर फाउंड इन
सिंपल स्क्वामस एपिथिलियम, सिंपल क्यूबॉइडल। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि स्क्वामस एपिथिलियम में फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज होती है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेना एक बार नज़र मार के नीचे तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आ जाता है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट दे रखा है, अब उसी हिसाब से करना, अब गलत। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। इतना सा पढ़ लिया, कहीं गलत लग ही नहीं रही स्टेटमेंट, लेकिन है ये गलत, यहाँ पे आ गया डबल। डबल नहीं होता, सिंपल स्क्वामस बोल रखा है एनसीईआरटी में क्लियरली। इस जगह पे मैंने सिर्फ एक वर्ड को चेंज किया, डबल की जगह सिंगल आएगा। बिल्कुल अगर इस वर्ड से जरा सा भी ध्यान हटा होगा तो बिल्कुल इसको सही मान के आगे बढ़ गएंगे। तो इस टाइप से एकदम आराम से पढ़ पढ़ के डबल की जगह आएगा सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, तो ये नॉट करेक्ट है। तो ये पहली स्टेटमेंट है हमारी, और ये सब पीछे टिक करना, आगे टिक करने में एक और दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर टिक कर दिया ना, तो अगर गोले भरने हैं तो लास्ट लास्ट में पहले पूरे बायो के कर लेते हैं और उसके बाद की फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पहले ही स्टेटमेंट को पहले ही टिक मार देते हैं तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मान लो यहाँ सी ऑप्शन, ऐसे मेरे बहुत सारे गलत हुए हैं, तो इसके पीछे टिक कर दें कि हाँ ये करेक्ट है। नो मतलब जो क्वेश्चन के हिसाब से, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये हमको गलत ढूंढनी है तो ये नहीं होगी। एपिथीलियम ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाए, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी सही है। तो ये दो स्टेटमेंट सॉरी नॉट करेक्ट चाहिए, तो ये तो नहीं होगा हमारे लिए। एक इन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब यहाँ क्या घुमा है, एपिथीलियम की लाइन है, ये एपिथीलियम वाले पार्ट में लिख रखी है कि कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम कोई सा भी एपिथीलियम है तो एपिथीलियम, तो जो एपिथीलियम के लिए कैरेक्टर स्केच है वो तो उन तीनों पे भी लागू होंगे ही सही। तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम या स्क्वामस या कुछ भी लिखते तो स्टेटमेंट सही होती, क्योंकि ये एपिथीलियम का कैरेक्टर स्केच है, तो ये सब पे ही लागू हो जाएगा। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट तो वो वन हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, तो वन सिर्फ नॉट करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप अपने हिसाब से पॉज करके पहले देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉल्यूमनार एपिथीलियम, कॉल्यूमनार एपिथीलियम की ट्रू स्टेटमेंट, और यहाँ सिंपल कॉल्यूमनार बोल रखा है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट देयर अपाइकल पोजिशन, ये पहली स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। ये जो उधर ट्रू पूछा है तो पहली हो गई रॉन्ग, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है कि न्यूक्लियाई बेसल पोजिशन पे होते हैं। दे आर मल्टी लेड नहीं होते, ये होते हैं सिंगल लेड। सिंपल कॉलिमनर बोल दिया तो सिंगल लेड होगा, तो ये भी गलत हो गई। टॉल और स्लेंडर तो होते हैं लेकिन मल्टी लेड नहीं होते। अंडर हिस्टियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अ क्लियर, पहले से दिख रही है कि एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा नहीं, इसको छोड़ दो। एनसीईआरटी में देयर फ्री सरफेस मस्ट हैव सीलिया, ये भी गलत है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है लेकिन यह मस्ट नहीं लिखा, मे हैव सीलिया, सीलिया हो भी सकता है इफ, क्योंकि सीलिया वाले लाइन में भी लिखा है कि इफ सीलियली सेल्स मतलब क्यूबॉइडल और कॉलमनार के ऊपर सीलिया हो तो उनको सीलिएटेड एपिथीलियम बोलते हैं, इफ लिखा है, जरूरी नहीं है कि वहां पे हो ही हो। तो ये मस्ट की जगह मे होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती, तो सी यही हो गया। अब सी को भी अपन एक बार समझ लेते हैं। हिस्टियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल क्लियर स्टैंड ऑफ साइटोप्लाज्म कॉलमनार के ऊपर ही होगा, ये भी एनसीईआरटी से कैसे बन सकते हैं। हायर लेवल ऑफ थिंकिंग स्किल्स लगाएं, हॉट्स क्वेश्चन लगाएं, हॉट्स लगाएं इस पर, मतलब बहुत ध्यान से सोचे तो अब बेसल न्यूक्लिया से ये स्टेटमेंट हम एनसीईआरटी के बेसिस पे लगा सकते हैं, क्योंकि बेसल न्यूक्लिया दे रखा है, मतलब साइटोप्लाज्म का होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का जो क्लियर स्टैंड एकदम बंच दिखेगा साइटोप्लाज्म का, वो तो न्यूक्लियस के ऊपर ही दिखेगा। अगर अगर क्यूबॉइडल में देखें तो क्यूबॉइडल में चारों तरफ दिखेगा, तो कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं मिल पाएगा कि इधर है इधर है। कॉलमनार में स्क्वामस में भी देखेंगे तो बिल्कुल न्यूक्लियस बड़ा सा रहता है और साइटोप्लाज्म बहुत नेग्लिजिबल, तो उसका भी कोई क्लियर स्टैंड। लेकिन अगर यहाँ पे बेसल न्यूक्लिया वाली लाइन को ध्यान में रखे तो हाँ ये हो सकता है कि बेस में न्यूक्लिया है तो साइटोप्लाज्म तो ऊपर ही दिखेगा। तो ये एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा सोचे तब जाके आ सकता है, बाकी तीन एलिमिनेशन कर दो। हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही होगा। तो ये भी एक ट्रिक है एलिमिनेशन वाली, नीट के क्वेश्चन की इस टाइप के क्वेश्चन पे भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। विच एपिथीलियम इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, एनसीईआरटी में क्लियर लाइन दे रखी है सिक्स्थ के लिए।
सेवेंथ क्वेश्चन, फ्री सरफेस मॉडिफिकेशन ऑफ सीलिया आर फाउंड इन स्क्वामस एपिथेलियम, इसमें नहीं पाए जाते क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियर एक लाइन लिख रखी है कि अगर सीलिया क्यूबॉइडल और कॉलमनार के ऊपर होगा, तो अगर दोनों में ही आता है वैसे भी कॉलमनार और क्यूबॉइडल, और लाइन भी लिख रखी है एनसीईआरटी में, तो ये बहुत बी और सी हो जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम। यहीं पर फ्री सरफेस मॉडिफिकेशन, फ्री सरफेस मॉडिफिकेशन मतलब सीलिया प्रेजेंट होता तो वो ऊपर की लेयर ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मॉडिफाई होती, इसलिए उनको फ्री सरफेस मॉडिफिकेशन भी बोला जाता है। एट्थ क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं हमको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर से आ गया यहाँ पे, नॉट करेक्ट फॉर सीलिएटेड एपिथीलियम के लिए कौन सी करेक्ट नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया इफ द, यहाँ इफ आ जाएगा, इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथीलियम। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है, सीलिया कॉलमनार क्यूबॉइडल, तो ये पिछले वाले का आंसर भी हो गया और अपने पिछले क्वेश्चन का। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथीलियम, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, करेक्ट है। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द आउटर सर्फेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल एंड फेलोपियन ट्यूब, लग तो ये भी सही रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी हो तो वहाँ पे इनर सर्फेस लिख रखा है, इतना हाई लेवल भी घूर घूर के नहीं पूछती एनसीईआरटी, मतलब नीट में इतना भी नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन फिर भी हमको तो थरो एनसीईआरटी पढ़ना है बिल्कुल तरीके से, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, इनर सर्फेस आउटर मतलब एक एक वर्ड पे ध्यान देना है कुल मिला के। इनर सरफेस आएगा ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, तो ये हो गई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें बिल्कुल गलती कर दे, बहुत सारे गलती, बहुत ने गलती की भी होगी, तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, ग्लैंडुलर एपिथीलियम इज स्पेशलाइज्ड फॉर, क्लियर लिख रखा है, सिक्रीशन का काम करता है, ग्लैंड्स क्या काम करेंगे, सिक्रीशन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसमें डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 10th क्वेश्चन, ग्लैंडुलर एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ, तो ये भी एक लाइन लग रखी है, क्यूबॉइडल कॉलमनार स्क्वामस एपिथीलियम, तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का जो काम करेंगे वही ग्लैंड में भी आएंगे, और ग्लैंड वाले पार्ट में भी ये लाइन लिख रखी है, क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं सिक्रीशन के लिए, तो ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इतना ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब 11th क्वेश्चन, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिल्कुल, तो ये बहुत सारों ने एक, अब ये हो गया ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है ना, आगे बढ़ गए। अब ये मेरी गलती, मेरे से बहुत बार होती थी ये वाली गलती, एंडोक्राइन ग्लैंड ली, देख लिया पहला ऑप्शन और जल्दी में रहते हैं, बायो सबसे जल्दी सोल्व करनी है, फिजिक्स के लिए भी तो टाइम बचाना है, लेकिन बायो में फिर रह जाते हैं तो फिर सब में ही रह जाते हैं, तो एंडोक्राइन बहुत ध्यान से पढ़ना है, पहले मेरी बहुत गलती होती थी ऐसे, बायो में बिल्कुल हाई स्कोर करना है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सेकंड वाला नहीं है, लेकिन डक्टलेस ग्लैंड मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड ही तो हुआ, तो ए और सी, तो ए वाले क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करना, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत बार गलती हो जाती है बहुत ए और सी के लिए डायरेक्ट, अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल आर सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक टाइप हो गया, अभी अपन ने कौन कौन से पढ़ ली, एक तो कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और बाहर के ऑप्शन देख के स्किप करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से आंसर मिलता है ये वाला, ट्रू स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है, और एक टाइप ये हो गया, बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे इनमें से कौन कौन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड को किस किस चीज़ को सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का पूछा है, म्यूकस सलाइवा ईयरवेक्स टेस्टोस्टेरोन मिल्क ऑयल थायरोक्सिन, एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को छोड़ के वही अधिकतर जो ऑप्शन आएंगे, और हार्मोन को छोड़ के सारे एक्सोक्राइन के आएंगे, तो हार्मोन सिलेक्ट कर लो इसमें से, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है, जो नहीं करता उनको अपन सिलेक्ट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करता है ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करता है तो इनको अपन, म्यूकस भी एक्सोक्राइन करता है, सलाइवा भी एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ईयर वैक्स भी, ये एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं डायरेक्ट, वहीं से मैंने कॉपी किया है इसको, ईयर वैक्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो ये नहीं होगा तो ये बिल्कुल हटा दो, फिर ये ऑयल भी वही सिक्रेट करते हैं, मिल्क भी एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, थायरोक्सिन अगेन एक हार्मोन है तो ये भी वो सिक्रेट नहीं करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम ये एक्सोक्राइन, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इनमें से 6 हैं जो एक्सोक्राइन, एंड कभी कभी नीट में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कम से कम 15 17, एक मॉर्फोलॉजी का एक क्वेश्चन में शायद 17 या फिर 18 एग्जाम्पल्स ऐसे, तो उसका भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं 13th क्वेश्चन पे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एग्जाम्पल, अब इनमें से ट्रू स्टेटमेंट निकालनी कितनी है,
एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड, गलत हो गया भाई। यूनिसेलुलर ग्लैंड पीनियल ग्लैंड होता है ग्लोबुलर सेल, और यहाँ सलाइवरी मल्टीसेलुलर एनसीईआरटी का क्लियर एग्जाम्पल है, तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं होगी। द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इन टू द फ्लूड बाथिंग द सेल्स, ये बिल्कुल सही है, और एनसीईआरटी की लाइन भी है तो ये वाली सही हो गई। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, तो ये तो गलत बात है, एक्सोक्राइन ग्लैंड तो डक्ट्स होते हैं उनके पास। तो ट्रू कौन कौन सी, दो, अब ये दो डायरेक्ट दिख गया बी ऑप्शन, लेकिन बी ऑप्शन हमेशा यहाँ होता है और बी से दो का लगाव बहुत ज़्यादा होता है, तो डायरेक्ट बिना देखे बी पर टिक कर देते हैं और हो जाता है गलत। तो ये एक और स्ट्रेटेजी है गलत करवाने की, बी पे कायदे से टू लिखते, लेकिन बी पे अधिकतर बच्चे बी पे टिक कर देते, दो देखते नहीं, तो बी का आंसर आएगा बी पे, सी आंसर आएगा सी पे टू लिख रखा, तो इसमें भी गलत होने के चांस होते हैं, डायरेक्ट बी पे टिक कर देते, देखते हैं नहीं कि बी पे थ्री है या फिर टू, तो उसका भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इसमें बहुत मेहनत लगी, इधर उधर से फोटो खींच खींच के लगाने में, एक ही बनाया मैंने मैच द फॉलोइंग फॉलोइंग वाला। तो पहला फर्स्ट है इसका आंसर, फर्स्ट का ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड की फोटो है, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, यूनिसेल इसमें तो दिखता नहीं, तो एनसीईआरटी में देखना पड़ता है तभी पता चलता है, तो ये हो जाएगा ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट का सी, ए का सी, ये फर्स्ट का सी, पहले तो चारों ही सही जा रहे हैं, नीट में ऐसा नहीं होगा, नीट में डायरेक्ट पहले से आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का सी यहीं पे देंगे, सिर्फ एक या फिर दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सेकंड ऑप्शन तक जाना पड़ता था, पहले से आंसर आ जाता है नीट में, इसीलिए टाइम कम कंज्यूम करता है, फर्स्ट का सी तो सेकंड का बी दे देंगे, ए दे देंगे, इधर डी दे देंगे, तो पहले वाले को पढ़ के आंसर आ जाएगा, लेकिन अब देखते हैं सेकेंड का क्या, यूनिसेलुलर ग्लैंड, तो सेकेंड का बी, फर्स्ट का सी, सेकेंड का भी देख लो, फर्स्ट का सी, सेकेंड का भी, इसमें भी फर्स्ट का सी, सेकेंड का भी, तो ये दोनों तो कट गए, बचे ए और सी में होगा, थर्ड का देख लेते हैं, थर्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में एयर सैक्स ऑफ लंग में पाए जाते हैं, तो ठीक है थर्ड का ए, इनमें से थर्ड का ए कौन सा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन तक जाके अपना आंसर आया है, नीट में पहले से आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल नीट में फर्स्ट टाइम में आंसर आ जाता है। अब आ जाता है 15th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन हमारे हैं, देखते कितना टाइम लगेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इन टू, अब एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, देयर डक्ट्स, तो डक्ट्स तो उनके पास होते ही नहीं है, तो गलत हो गया। फ्लूड बाथिंग द सेल, एनसीईआरटी की लाइन है, सही है, अब यहाँ से डायरेक्ट टिक करके आगे निकल जाते हैं, फिर बी और सी अगर हुआ तो रह जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट सिक्रीट एनीथिंग, एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट सिक्रीट एनीथिंग, गलत बात है, ग्लैंड है तो सिक्रीट तो करेंगे, तो बोथ बी और, अब ये वाला ऑप्शन तुक्के वालों के लिए, जो कि हाँ बी और सी दे रखा, तो ये रहता है बहुतों के दिमाग में कि बी और सी है तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तो ये गलत बात है, बहुत बी और सी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन करेक्ट है फ्लूड बाथिंग द सेल्स, तो इसका आंसर हो जाता है बी, ये तुक्के वालों के लिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसमें से पिनीथ सेल्स, ये हमने एनसीईआरटी से बाहर है, इसको भी साइड में रखो, साइड में रखना, इस क्वेश्चन तो स्किप हमको करना नहीं है। गॉबलेट सेल्स, ये एनसीईआरटी में है, तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड नहीं है, ये तो यूनिसेलुलर है, तो ये भी नहीं होगा। सलाइवरी ग्लैंड्स मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एक ही एग्जाम्पल है, और ये अब ये बिल्कुल पहला ऑप्शन ही बाहर का दे दिया, तो स्किप कर सकते थे, लेकिन आंसर हमारा एनसीईआरटी से ही बन रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का ध्यान खास रखना है कि बाहर से बहुत सारी चीज़ें दे देंगे एग्जाम्पल में, लेकिन आंसर तो हमारा एनसीईआरटी से ही बनेगा। पिनीथ सेल, गॉबलेट सेल्स और बोथ बी एंड सी, तो ये बोथ बी और सी तो नहीं है गॉबलेट सेल्स, और क्योंकि बी ये ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि गॉबलेट सेल यूनिसेलर है। अब एक और फैक्ट वाली बात है कि सिर्फ दो ही सेल हैं जो यूनिसेलर ग्लैंड आते हैं, एक तो पिनीथ सेल और गॉबलेट सेल्स, इनके अलावा जितने भी ग्लैंड है, ये एक याद रख सकते हैं कि पिनीथ सेल और गॉबलेट सेल्स को छोड़ के जितने भी सेल ग्लैंड से सारे मल्टी सेलर हैं, तो ये दोनों ही सिर्फ यूनिसेलर हैं बस। 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कंपाउंड, ट्रू स्टेटमेंट बोल रखा है, और कंपाउंड एपिथेलियम के लिए सिंगल लेयर, कंपाउंड एपिथेलियम का पहले ही कैरेक्टर कह सके मल्टी लेयर होना चाहिए, तो पहले स्टेटमेंट गलत हो गई। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये तो सिंपल एपिथेलियम का काम है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई, बिल्कुल डायरेक्ट है इट इज़ मल्टी लेयर्ड, ये वाली बात सही है,
ठीक है, इट प्लेस नेग्लिजिबल रोल, इट प्लेस सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मेन फंक्शन है इसका कि प्रोटेक्शन केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। कंपाउंड एपिथीलियम, 18th क्वेश्चन। कंपाउंड एपिथीलियम हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन बिकॉज। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल क्यों है, इसका कारण क्या है? इट कवर्स द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन। ये वैसे तो असर्शन रीजन आता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन असर्शन रीजन का बनता, फिर भी ऑप्शन के टाइप में मैंने बनाया है, तो इसको पढ़ते हैं। इट कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ये बात ठीक है कि कंपाउंड एपिथीलियम ड्राई सरफेस को कवर करता है, लेकिन इसके कारण ये कि लिमिटेड रोल प्ले करता है तो नहीं। ये कंपाउंड एपिथीलियम के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो हमने पूछा है कि लिमिटेड रोल है इसका सिक्रीशन में, तो उसके लिए ये करेक्ट नहीं है। इट इज सिंगल लेड, ये तो कंपाउंड के लिए गलत है, तो इनके लिए तो क्या है, इट इज मल्टी लेड, इट इज मल्टी लेड। तो ये है, अब ये एनसीईआरटी में कहाँ है, ये तो चारों दे रखे क्या, ये एनसीईआरटी, ये क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथीलियम के कैरेक्टर है। लेकिन इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेन केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ये भी कंपाउंड के लिए ठीक है, लेकिन ये जो लिमिटेड रोल है ये क्यों होता है, क्योंकि ये मल्टी लेड, और ये एनसीईआरटी में क्लियर लाइन दे रखी है, 10 लिखा हुआ है कि इट इज़ मल्टी लेयर एंड हेंस, ऐसा ही कुछ मतलब कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा हुआ है कि लिमिटेड रोल मल्टी लेयर है इसके कारण, बिल्कुल या तो दस है या फिर ऐसा ही कोई वर्ड है जिनने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रखा है, तो ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बन जाता है। ये भी प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी से ही है। अब हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट करेक्ट फॉर कंपाउंड एपिथीलियम, तो इसमें सब देखना है कौन कौन से। ओ ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, वही वाला पिछला एक ये वाली टाइप का कर चुके हैं। प्रोटेक्शन अगेन केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ये बात सही है, ठीक है, ये एक हो गई। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में पाया जाता है क्या कंपाउंड एपिथीलियम, नहीं होता, सिंपल एपिथीलियम पाया जाता है, छोड़ो इसको। देखो द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, ये भी ठीक है, पूरा पढ़ना है, ड्राई सर्फेस ऑफ, और भी कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो और द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी, ये भी सही है, ये एक ही लाइन में मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये तो नहीं है, गलत है, वो तो सिंपल एपिथीलियम। फेरिंग्स, फेरिंग्स में पाया जाता है कंपाउंड एपिथीलियम, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो सही है, चार हो गए। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी सही है। लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, ये भी सही है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर है 6, बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट बेस्ड एनसीईआरटी से ही था पूरा। अब आ जाएगा 20th क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है फॉर सेल जंक्शंस, जंक्शंस हो गए लास्ट टॉपिक है वो। ओनली फ्यू सेल्स इन द एपिथीलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटर सेलुलर मटेरियल, बाकी सब सही है, लेकिन ओनली फ्यू नहीं है, एनसीईआरटी में ले रहेगा नियरली ऑल ऑल द सेल्स, या ऐसा कुछ लिखा है, तो फ्यू यहाँ पे इनकरेक्ट है, फ्यू की जगह शायद जो भी एनसीईआरटी में ऑल है, ऑल द सेल्स इन एपिथीलियम या मोस्ट ऑफ द सेल्स इन एपिथीलियम आर हेल्ड टुगेदर, तो ये बिल्कुल ध्यान में नहीं आता, फ्यू पढ़ते ही नहीं इतना, ओनली फ्यू सेल्स, हाँ ठीक है ठीक है, सही करके टिक कर देते, बाकी एक एक वर्ड पे नज़र माननी है। अब सेल जंक्शंस आर फाउंड ओनली इन एनिमल टिश्यू, ओनली इन फ्यू एनिमल टिश्यू, तो यहाँ पे भी फ्यू फ्यू गलत है, इसमें नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है, ऐसा एनसीईआरटी में लिख रखा है, तो नॉट करेक्ट, ये भी नॉट करेक्ट, ये भी नॉट करेक्ट। स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड स्ट्रक्चर ओनली स्ट्रक्चरल बट नो, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक दोनों प्रोवाइड करते हैं, ये लिख रखा है एनसीईआरटी में, तो ये तीसरी भी इनकरेक्ट है। सेल जंक्शंस आर फाउंड ओनली इन एपिथीलियल टिश्यू, तो ये भी एपिथीलियल एंड अदर टिश्यू, ऐसा भी क्लियरली एनसीईआरटी में स्पेसिफाई किया है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो सी फोर्थ पे आना है, फोर्थ तो डी पे आना चाहिए था, लेकिन सी पे आया, तो ये भी एक ट्रिक है, डायरेक्ट डी पे टिक कर देते हैं, देखते हैं नहीं क्या है, तो ये सी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। अब 20 के बाद आ जाएगा 21। विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शंस प्रिवेंट द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लीकिंग के लिए कौन सा टाइट जंक्शन हो जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, COWRE सीटी, करेक्ट कौन सी ये देखना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट देख लो। एडेरिंग जंक्शंस हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम, ये तो टाइट जंक्शन के लिए है, तो ये गलत हो गया। टाइट जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, टाइट जंक्शन लीकिंग प्रिवेंट करते, तो ये भी गलत है।
गैप जंक्शन फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गैप जंक्शन, तो सी आंसर आ जाएगा। 22 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर गैप जंक्शंस, तो गैप जंक्शंस के लिए क्या करेक्ट है, पहले ही हेल्प्स इन सेल्फ कम्युनिकेशन, सही बात है। हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, ये भी एनसीईआरटी में लिख रखा है, ये भी सही बात है। कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, ये भी एनसीईआरटी में लिख रखा है। नेवर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स, तो ये लाइन लाइन में क्लियर, और लास्ट में लिख रखा है समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल, तो नेवर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ बिग मॉलिक्यूल, ये तो गलत बात है। समटाइम्स हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स, तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बना है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आएगा 24th क्वेश्चन, एपिथीलियल टिश्यू प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग बिकॉज, तो इसमें भी ये इट ग्रोज अपन, ये सही है कि एपिथीलियम दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, लेकिन ये कारण ये नहीं है कि कवरिंग और लाइनिंग क्यों बनाता है। देर इज अ प्रेजेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिलो इट, ये भी सही है कि एपिथीलियम के नीचे बेसमेंट होती है, लेकिन उसके कारण लाइनिंग करता है, ये भी गलत बात है। इट आइदर फेसेस अ बॉडी फ्लूइड, तो ये करेक्ट है क्योंकि लिख रखा है यही लाइन है, इट आइदर फेसेस अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरमेंट एंड दस इसलिए दस प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम टिश्यूज और ऑर्गन, जो भी लिख रखा है, तो ये इसका कारण ही, ये भी असर्शन रीजन टाइप है, लेकिन ऑप्शन में इसको बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, नन तो ये नहीं। अब 25th क्वेश्चन पर जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें कोई वो है नहीं, डायरेक्ट कोई एक स्टेटमेंट चूज करना है इनमें से। द कंपाउंड एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल लेयर्स, अब ये वन और मोर, तो बिल्कुल ये इसको आप राइट ही मारा होगा, बहुतों का गलत हुआ होगा, वन और मोर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टू और मोर लिख रखा है एनसीईआरटी ने, तो वन और मोर नहीं है, टू और मोर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे बहुत सारे फंस गए होंगे। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये दे रखा है एनसीईआरटी में, नो नहीं है वो, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, बहुत बार मैं भी ऐसे कन्फ्यूज हो जाता था, इसलिए थरो रीडिंग बहुत मस्ट एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन हमको पढ़ा होना चाहिए, और उसके बाद से क्वेश्चन को भी उस टाइप से, बहुत तो इतने तेज पढ़ते हैं, नो आता ही नहीं उनमें, इंटरसेलुलर ठीक है सही है, ऐसे ही पढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एपिथीलियम फेसेस नाइदर अ बॉडी फ्लूइड नॉर द आउटसाइड एनवायरमेंट, आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरमेंट, ये तो मैंने इंग्लिश वाली दिक्कत कर दी, नहीं आता वैसे ऐसी स्टेटमेंट, फिर भी बना दी। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ये पहले ही पेज पे शायद क्लियर लाइन दे रखी है, तो 25वां क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन से बना दिया है, तो ये अपने पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ये सारी आंसर की है, बाद में चेक करना, तो अगर इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए बिना टिक वगैरह वाला, मतलब क्लियर अगर लास्ट में रिवीजन करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम तैयारी नीट के चैनल पे डाल दूंगा, उसके ऊपर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी, तो ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे और ये लेवल का क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो भी ड्रॉपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा रिविजन करने के लिए, और क्वेश्चन आपने अगर जिन्होंने कहीं और से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की होगी तो टाइप्स यही होते हैं, ये मैंने प्योर एनसीईआरटी से बनाया और बहुत मेहनत से बनाया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, थैंक यू।